मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लड़के हैलोवीन की रात में मास्क पहने हुए थे। हैलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग रात में अलग अलग कपड़े और मास्क पहनकर घूमते हैं। हम देखते हैं कि ये लड़के किसी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। वो एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जिसकी शक्ल स्केयरक्रो के जैसी है। टाउन वालों के ख्याल में वो एक आत्मा है जो हर साल हैलोवीन की रात को एक स्केयरक्रो की शक्ल में जागती है। उस आत्मा को सब सौतूत के नाम से जानते हैं। हैलोवीन की रात जब सौतूत जागता है तो वो एक चर्च की तरफ जाता है ताकि वो चर्च की बेल बजा सके। हर साल जो लड़का इसे मार देता है उसे गाड़ी और भरी इनाम दिया जाता है। आज भी हैलोवीन की रात है। हम देखते हैं कि सौतूत खेतों से निकल के चर्च की तरफ जा रहा होता है और सब लड़के उसके पीछे भागते हैं। फिर एक लड़का उसको पकड़ के मार देता है और उसे खाने लगता है। सौतूत के जिस्म से बहुत सी कैंडीज निकल रही होती हैं। फिर टाउन का मालिक उसे इनाम के तौर पे एक नई गाड़ी और पूरी दुनिया घूमने के लिए पैसा देता है। वो लड़का बहुत खुश होता है और दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। उसका एक छोटा ब्रदर रिची होता है। वो अपने भाई के साथ जाना चाहता है लेकिन उसका भाई उसे मना कर देता है। फिर कहानी एक साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि हैलोवीन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। रिची एक लड़की केली को देखता है जो कि टाउन में न्यू आई है। फिर रिची स्कूल जाता है जहाँ एक पुलिस वाला सब लड़कों को सौतूत के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि इस काम में जान का खतरा हो सकता है लेकिन हमें किसी भी तरह सौतूत को मारना होगा। वो बताता है कि एक बार वो इसे रोकने में नाकाम हो गए थे तो टाउन में बहुत बड़ी तबाही हुई। हैलोवीन से 3 दिन पहले लड़कों को भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है और सिर्फ हैलोवीन की रात को ही बाहर निकाला जाता है ताकि ये सब खून खार दरिंदे बनकर सौतूत का शिकार कर सके। इस साल जो भी शिकार करेगा उसको लेटेस्ट कार और दुनिया घूमने के लिए पैसे मिलेंगे। टाउन में कुछ लोग तो सौतूत की कहानी को सच मानते हैं और कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसको सच मानते हैं उनका कहना है कि उन्होंने सौतूत को देखा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। फिर रिची अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उसका एक दोस्त उसको बोलता है कि तुम्हारे ये साबित करना होगा कि तुम भी अपने भाई से कम नहीं हो, तुम बहादुर हो और तुम भी कुछ कर सकते हो। इसीलिए रिची गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। रिची के बारे में अपने माँ बाप से बात करता है लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। बार बार समझाने के बाद जब रिची नहीं मानता तो रिची का बाप उसे थप्पड़ मारता है, मगर अब रिची भी जिद में आ जाता है कि अब तो सौतूत का शिकार जरूर करेगा। फिर हम देखते हैं कि रिची को उसका भाई का लेटर आता है और एक कार भी मिलता है। जो दुनिया घूमने गया था वो अब तक वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हम एक फार्मर को देखते हैं जो एक स्केयरक्रो को खेतों में लटका के खड़ा हुआ है और यही स्केयरक्रो हैलोवीन की रात को जिंदा होकर सौतूत बनने वाला है। फिर हम देखते हैं कि रिची को उसका भाई और को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही हमारे माँ बाप का ख्याल रखना होगा। रिची को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एक गाड़ी चुरा कर टाउन से जाने लगता है तो रास्ते में पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ के मारता है कि जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैलोवीन की रात में उन सब लड़कों को बाहर निकाला जाता है जिनको कुछ दिन से घर में भूखा प्यासा बंद किया हुआ था। वो पागलों की तरह सौतूत का शिकार करने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ किसान सौतूत के जिस्म में बहुत सारी कैंडीज भर देता है जिसके बाद सौतूत जिंदा हो जाता है। उधर जब रिची को होश आता है तो वो बाहर जाने लगता है। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता और गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ बैठकर सौतूत का शिकार करने के लिए निकल जाता है। अचानक ही सौतूत उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। सौतूत एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो एक लड़के के कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता है। रिची और उसका दोस्त अब भी उसके पीछे होते हैं। फिर अचानक सौतूत रिची के दोस्त का आधा सर काटकर मार देता है। सौतूत रिची के सामने आ जाता है और रिची डर जाता है और उधर से भाग जाता है। फिर उसे केली मिलती है, वो भी सौतूत का शिकार करने निकली होती है। उधर रिची का भी एक दोस्त भागकर अपने घर आता है लेकिन उसके माँ बाप उसे अंदर आने नहीं देते और कहते हैं कि जाओ और सौतूत का शिकार करो ताकि इनाम की रकम से हमारी जिंदगी आसान हो जाए। एक बच्चा विंडो में खड़ा ही सब देख रहा होता है। वो इसे बोलता है कि तुम्हारे पीछे सौतूत खड़ा है जिसे देखकर ये डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक बेसमेंट के पास पहुँचता है जहाँ बहुत से लड़के छुपे होते हैं। वो उनसे अंदर आने का बोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं सौतूत भी वहाँ आ जाता है। वो रिची के दोस्त को पकड़कर उसका मुंह चीर देता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर सब लड़कों को मार देता है। बेसमेंट से खून का एक फवारा निकलता है। दूसरी तरफ रिची और केली पुलिस ऑफिसर की गन और कार चुरा लेते हैं। टाउन में भूख से पागल लड़के स्टोर पर हमला करते हैं और गार्ड को भी मार डालते हैं। तब एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते हैं। फिर इनको रेडियो से पता चलता है कि सौतूत कहाँ है। वो फौरन से वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि सौतूत उनके सामने खड़ा है। रिची जैसे ही सौतूत पर
गोली चलाने लगता है, उसकी नजर सौतूत की बेल्ट पे पड़ती है जो उसके भाई की होती है। फिर केली अचानक से सौतूत पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर दोनों रिची के घर आ जाते हैं। रिची देखता है कि उसकी माँ ने नींद की मेडिसिन खाई थी जो टाउन के मालिक ने उनको दी थी। फिर रिची अपनी माँ से टाउन के विनर्स के बारे में पूछता है। वो बताती है कि जो भी विनर होता है वो तो टाउन छोड़कर चला जाता है और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। सब यही समझते हैं कि वो दुनिया घूमने क्या है, लेकिन ये झूठ है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। फिर इसी समझ जाता है कि जो लेटर्स इसके पास आते हैं वो इसकी माँ भेजती है ताकि इसे हौसला मिलता रहे। हकीकत में रिची का भाई मर चुका था। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा किसी को मत छोड़ना। ये कहते हैं कि उसकी माँ अपनी जान के लिए देती है। दूसरी तरफ सौतूत रिची और उसके भाई के पुराने घर को आग लगा देता है। यह हमें पता चलता है कि सौतूत कोई और नहीं बल्कि रिची का भाई है जिसने पिछले साल इस गेम को जीता था।